जिले में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज को लेकर भागलपुर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 18 से 22 जनवरी के बीच भागलपुर में दक्षिणी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है और हवा की औसत गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। इधर मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही गई है, जबकि हवाओं की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को कक्षा 8 तक पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कक्षा 9वीं की पढ़ाई सावधानी बरतते हुए 9 बजे के बाद से संचालित होगी। साथ ही डीएम ने बताया कि शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। तारीख तक हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th and 11th की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। अलाव की सर व्यवस्था कहीं? अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और DOC में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, सभी गाँव में करना संभव नहीं है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर में दबंगों के हौसले काफी बुलंद हैं। ताजा मामला जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दू बाजार का है, जहां देर शाम दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक का नाम संजीव यादव है। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि पास के मतवाला यादव, मनीष यादव, बिरजू यादव एवं पमन गोस्वामी ने मिलकर हथियार के बट से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बता दें कि अभद्र तरीके से बात करने का विरोध करने पर कमर से 3 नट निकालकर उसके बट से सर पर प्रहार किया गया, जिससे वह वहीं पर मूर्छित हो गया। जिसके बाद घटना की जानकारी पीड़ित के भाई को दी गई और घायल को जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर चोट लगने से संजीव के शरीर से काफी खून बह गया। हालांकि चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रात में हम खा करके चौक पे निकले थे टहलने के लिए, मेरा 2 दोस्त मिला तो उसके साथ हम गप करने लगे। उतने में मतवाला यादव आया तो हमको पूछा कि तुम हमको गाली क्यों बकता है। हम बोले हम गाली कब बके हैं। बस उतने में निकाला बट पिस्तौल, निकाला गोली, चलाया मेरे ऊपर, नहीं चला तो उसके बट से हमको 3 मारा माथे में, एक बार मारा पैर में। और उसका जो है मनीष भतीजा जो है मेरा गला पकड़ा, और बिरजू यादव ये सब मेरा शरीर पकड़ के हमको पटक के नीचे में जान मारने का प्रयास किया। तकरीबन कितने की संख्या में लोग थे जब आप पर हमला हुआ? 5 की संख्या में थे। 5 की संख्या में थे और वहीं दुर्गा स्थान के पास, उर्दू बाजार के पास जो है वो लोग सब अचानक आए और अचानक मेरे माथा पे मारे। कारण क्या रहा है माथे? कारण कुछ नहीं रहा है। उसका कहना था कि तुम गाली ताली क्यों बकते हो। हम उसको कभी गाली उली नहीं बकते हैं। क्या कोई पहले से कोई आपसी रंजिश या कोई इस तरह की बात? नहीं, पहले से कोई रंजिश नहीं। 2.5 महीना पहले उससे बकझक हमको हुआ था इस बात के लेकर के कि हम जो उसको पूछे कि आप भी भैया तो पैसा कोई ठेला चला के तो नहीं लाए हैं, तो बस इतना सही बात और कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जिनके इरादे नेक हैं और हौसले बुलंद हो वह अपने सपने को पूरा करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया भागलपुर की बेटी मीमांसा ने। भागलपुर शहर के 0 माइल चाणक्य विहार कॉलोनी में रहने वाली मीमांसा 68वें BPSC परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई है। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कोऑपरेटिव विभाग में कार्यरत हैं। वहीं उनकी माँ कंचन देवी एक गृहिणी है।
दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि मीमांसा घर की बड़ी बेटी है। पिता ने कहा कि आज मेरी बेटी ने हर जगह मेरा नाम ऊंचा कर दिया। मीमांसा का यह दूसरा प्रयास है जिसमें उसने सफलता पाई। अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट एसएससी भागलपुर से इंटरमीडिएट तक करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मीमांसा ने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं करती हूँ, सेल्फ स्टडी पर मैंने मुख्य रूप से फोकस किया। वह हर दिन तकरीबन 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी। सोमवार की रात 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही मीमांसा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और सभी खुश हैं मेरे घर में, सभी घर वाले, मम्मी पापा सब मुझसे ज़्यादा खुश हैं। और बस मैं आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए? देखिए, एक्चुअली इस बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वैकेंसीज नहीं थी, तो मुझे मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने रखा था बिहार फाइनेंस सर्विस, वो अलॉट हुआ है। अभी इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जो भी हमें सिखाया जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। पिताजी आपके बता रहे थे कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन और पीजी भी किया, तो फिर बीपीएससी का ख्याल कैसे आया? नवंबर 2022 में मैंने जेएनयू से पीजी की पढ़ाई पूरी करके अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। उसके बाद मेरा टारगेट यूपीएससी देना था, लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं घर पर थी तो मम्मी के कहने पर ही मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा कुछ एक दिन में ये सोचा हुआ नहीं था, ये शुरुआत से था कि सिविल सर्विसेज देना है। बट हाँ, बीपीएससी एग्ज़ाम देने का ख्याल ये बहुत ज़्यादा सोचा हुआ नहीं था। ये फॉर्म भरते समय तो बस मैंने मम्मी के कहने पे फॉर्म भरा था, लेकिन बाकी फिर जितनी भी जर्नी होती है, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सब सेम हो गया है तो आपको एक जैसी तैयारी ही करनी होती है। तो जैसे जैसे जो एग्ज़ाम आते गए मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास तैयारी करने के लिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित निष्पम्बे पंचायत में सैकड़ों के तादाद में पहुंचे ग्रामीणों ने मुखिया नीलू देवी के घर पर जमकर हंगामा किया। सप्लाई वाटर पानी नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने मुखिया के घर पर पहुंचकर मंगलवार को हंगामा किया, साथ ही नारेबाजी भी की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निष्पम्बे पंचायत के दिग्गी गाँव में तकरीबन 1.5 वर्ष से पानी की समस्या बनी हुई है और लोग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन निजात दिलाने के लिए ना तो अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और सैकड़ों के तादाद में मंगलवार को ग्रामीण मुखिया के घर पहुंच गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। वहीं मुखिया नीलू देवी ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, जल्द ही पानी की समस्या को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बोला कि आप लोग पर केस कर देंगे, हरिजन पर केस कर देंगे। हम लोग आपको नहीं पहचानते हैं, हम लोग पानी के लिए सुलामार हैं, हम लोग नहीं पहचानते हैं, भरने के लिए गए दूसरे कन बोला कब से बंद है, बंद कब से,
चार साल से मोचा खराब है। कौन गांव? देखिए गांव नंबर से। कौन पंचायत है? निशंबर पंचायत से है। 14 नंबर वार्ड है हम लोग। हम लोग मुखिया के यहां। आपका वार्ड का नाम क्या है? वार्ड का नाम है 14 नंबर वार्ड है निशंबर पंचायत। इसका आप लोग का बैठक फाइल पर रहता है। मेरा जनता प्यास से मर रही। अब हम जनता के प्रति क्या करें आप ही बताइए। कुछ नहीं। हाँ कुछ तो जरूर करेंगे जनता के प्रति। जनता के प्रति यही करेंगे कि हम जनता खुद बहुत हमको नालायक समझे या कुछ समझे, लेडीज समझे, हरिजन समझे, मगर जनता के प्रति हम ध्यान देते रहेंगे, देंगे या कुछ सोचे। भागलपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबौर में शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही आम नागरिकों को जानकारी देने के उद्देश्य से उच्च विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संवाद का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें एवं संचालित योजनाओं का उपयोग उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए कर सकें। मौके पर स्कूल के छात्र एवं अभिभावक मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज अंतर्गत भीरकुर पंचायत के उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय उड़ाडी में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा संवाद में पदाधिकारियों के द्वारा सभी बच्चों एवं अभिभावकों को बिहार सरकार की सभी योजनाओं का लाभ से संबंधित जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ लेने की बात कही गई। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार ने मंच पर घोषणा करते हुए सभी अभिभावकों से अनुरोध किया कि 75% उपस्थिति होने पर ही बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, परियोजना पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह, CDPO रूबी सिंह, प्राध्यापक प्रतिभा कुमारी, डॉक्टर सुनील कुमार, भीरकुर्द मुखिया चंदन कुमार, प्रदीप, सुमन, नवीन एवं कई शिक्षक एवं बच्चे मौजूद थे। आगामी बजट को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 22 में मंगलवार को आम सभा का आयोजन वार्ड पार्षद रीता देवी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान वार्ड के ग्रामीणों के साथ संयुक्त बैठक करते हुए सड़क, नाला, लाइट, पानी, जल जमाव की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर नगर परिषद सुल्तानगंज के प्रतिनियुक्त कर्मी सुभाष कुमार, रंजीत यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विपिन मंडल एवं अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आगामी बजट जो 24-25 का नगर परिषद के द्वारा बनाई जाएगी, तो उसमें प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक वार्ड वाइज आम सभा किया जा रहा है। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि नगर परिषद सुल्तानगंज को वहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो भी सड़क और नाला वगैरह सबका निर्माण होना है, उसमें क्या व्यय हो सकता है, इसके आकलन के लिए और उसको सूचीबद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नगर परिषद।